तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज हम मल्टीवर्स की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज की स्टोरी में हम फर्स्ट राउंड की फाइनल फाइट को देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको सारी की सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। फाइनल मैच अनाउंस होता है, जो कि होता है यूनिवर्स 2 के ब्लीजबब और यूनिवर्स 3 के किंग पिकलो के बीच में। ब्लीजबब एक पैरोडी कैरेक्टर है। ब्लीजबब बोलता है कि ये खुद को डीमन किंग बोलता है, पर मैं डीमन किंग को जानता हूँ और ये उसकी तरह नहीं दिखता। इसको डीमन किंग यानी मेरे पिता होने का ड्रामा करना महंगा पड़ेगा। डीमन किंग पिकलो और ब्लीजबब दोनों रिंग में आते हैं। डीमन किंग पिकलो बोलता है कि ये तो एक बुना है। ब्लीजबब बोलता है कि तुम एक असली डीमन नहीं हो, तुम तो एक नेमेकियन हो ऑर्गेनाइजर्स की तरह। मैं हूँ एक असली डीमन, क्योंकि मैं अपनी चॉकलेट्स अपने दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं करता और वो मैंने डिनर से पहले खा ली थी। ब्लीजबब का एक साथी बोलता है कि वाह क्या डीमन है। डीमन किंग पिकलो बोलता है कि मैंने लाखों लोगों को मारा है। ब्लीजबब बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, ऐसा तो कोई पागल ही कर सकता है। डीमन किंग पिकलो बोलता है कि नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मैं बस प्योर ईवल हूँ। डीमन किंग पिकलो ब्लीजबब को पीटने लग जाता है और ब्लीजबब अपनी जान बचा के भाग रहा होता है, पर पिकलो उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहा होता। डीमन किंग पिकलो अपनी सारी एनर्जी इकट्ठी करता है और एकदम से ब्लीजबब पर अटैक करता है। ब्लीजबब पहले अटैक से बड़ी मुश्किल से खुद को बचाता है, पर इतने में पिकलो उस पर दूसरा अटैक कर देता है। और जैसे ही अटैक ब्लीजबब की तरफ पहुंच रहा होता है, एकदम से ब्लीजबब इस अटैक को खा जाता है और वापस ये अटैक डीमन किंग पिकलो पर कर देता है। पिकलो इस अटैक के रास्ते से बच नहीं पाता, पर वो बिल्कुल ठीक होता है। वो बोलता है कि बहुत अच्छे, हो सकता है कि ये अटैक तुम्हें ख़त्म कर देता, पर इस अटैक से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ब्लीजबब ये देख के हैरान रह जाता है और पिकलो एकदम से हवा में उड़ता है और ब्लीजबब को खिंचा के एक लात मारता है, जिससे ब्लीजबब बेहोश हो जाता है और डीमन किंग पिकलो को विनर अनाउंस कर दिया जाता है। एक नेमेकियन हीलर आके ब्लीजबब को ठीक करता है और ब्लीजबब का साथी बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम फिर भी बहुत अच्छी तरीके से लड़े, तुम एक महान डीमन हो, तुम डिनर से पहले ही स्नैक्स खा लेते हो। इसके बाद 12 घंटे का ब्रेक अनाउंस हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट राउंड खत्म हो चुका है। यूनिवर्स 16 और यूनिवर्स 18 साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं और फ्यूचर ट्रंक्स और एंड्रॉइड 16 भी इन्हीं लोगों के साथ होते हैं। इसके बाद प्लैनेट की लाइट कम कर दी जाती है ताकि सभी वॉरियर सो सकें। वेजिटा बोलता है कि मैं किसी के भी साथ अपना रूम शेयर नहीं करूँगा। गोकू बोलता है कोई बात नहीं, ये अपार्टमेंट बहुत बड़ा है और पिकलो वैसे भी बाहर सोने वाला है। हम बाहर देखते हैं कि दोनों पिकलो मेडिटेट कर रहे होते हैं। तभी हम साउथ कायोशिन को देखते हैं। वो एक फ्रीजा के वॉरियर को रोकते हैं। फ्रीजा का वॉरियर बोलता है कि मैं तो बस बाथरूम ढूंढ रहा हूँ। साउथ कायोशिन बोलते हैं कि नहीं, मुझे पता है कि तुम ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रहे हो। अपने मास्टर से जाके कह देना कि अगर फिर से ऐसा किया तो तुम्हारे यूनिवर्स को बाहर निकाल दिया जाएगा। फ्रीजा के वॉरियर्स फ्रीजा को बताते हैं कि हमने सारी बिल्डिंग्स को ढूंढ लिया है, बस वर्गास की बिल्डिंग रह गई है और वहाँ पर हम नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर नेमेकियंस खड़े हैं। बटर बोलता है कि मैं वहाँ पर जा सकता हूँ, मेरे से ज़्यादा तेज कोई भी नहीं है। फ्रीजा बोलता है कि तुमसे ज़्यादा बड़ा भी कोई नहीं है, तुम छुप कर वहाँ नहीं जा पाओगे। वहाँ पर जाने के लिए कोई छोटा और बहुत तेज और बहुत स्मार्ट बंदा चाहिए। कूलर एकदम से छोटा हो जाता है और वो बोलता है क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो। फ्रीजा बोलता है कि नहीं, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। किंग कोल्ड बोलता है कि तुम दोनों बिल्डिंग्स के अलग अलग पार्ट्स में जाओ और अब मुझे कोई लड़ाई नहीं चाहिए। हम देखते हैं कि वर्गास की बिल्डिंग में एकदम से कूलर घुस जाता है और नेमेकियन से बचते बचते इधर उधर भाग रहा होता है ताकि वो बिल्डिंग में देख सके कि ड्रैगन बॉल्स कहाँ पर हैं। पर जैसे ही वो वहाँ से छुप छुप कर निकल रहा होता है, उसे एक घुसा पड़ता है। कूलर बोलता है कि ये कौन है, तभी उसे एक लात पड़ती है। वो बोलता है कि यहाँ पर कौन है। ये वेजिटो होता है और वो बोलता है कि कूलर तुम किससे कंप्लेंट करोगे, चलो अब मैं तुम्हारे भाई को सबक सिखाता हूँ। वेजिटो फ्रीजा के पास जाता है और वहाँ जाते ही वो देखता है कि वहाँ पर कोई और भी है और फ्रीजा को भी ये चीज़ महसूस हो जाती है। हम देखते हैं कि फ्रीजा के पीछे बू बैठा होता है और वो बोलता है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी बिल्डिंग को स्कैन कर चुका हूँ और यहाँ पर ड्रैगन बॉल्स नहीं है। मुझे लगता है कि उन्होंने ये सारी की सारी ड्रैगन बॉल्स दूसरे यूनिवर्स में रखी हैं। मैं अगर इन लोगों की जगह होता तो मैंने भी ऐसे ही किया होता। बू फ्रीजा को बोलता है कि अब हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक इन्फॉर्मेशन है। कैप्टन गिन्यू के पास बॉडी चेंज की एबिलिटी थी, क्या तुम्हारे किसी और सोल्जर के पास भी ऐसी एबिलिटी है। फ्रीजा बोलता है कि नहीं, तुम ये क्यों पूछ रहे हो। बू बोलता है क्योंकि तुम्हारे एक सोल्जर की आत्मा उसकी बॉडी में नहीं है। फ्रीजा बोलता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। बू बोलता है कि ये तुम्हें खुद ही पता लगाना पड़ेगा। यूनिवर्स 13 के सारे वॉरियर्स आराम कर रहे होते हैं, तभी कोई उनका दरवाज़ा खटखटाता है। ये यूनिवर्स 18 का गोहान होता है और वो रूम के अंदर आ जाता है। वेजिटा बोलता है
कि तुम्हें अंदर आने की परमिशन किसने दी। गोहान रेडिट्स को देखता है। वो अपने मन में सोचता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी एक नरक में बदल दी। इसके बाद वो नापा को देखता है और वो बोलता है, तुमने मेरे पिता के सारे दोस्तों को मार दिया था और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा डरता था। वेजिटा गोहान से बोलता है कि मेरे सवाल का जवाब दो, तुम अंदर क्यों आए हो। और इसके बाद गोहान को वो दौर भी याद आता है जब वेजिटा बुरा था। गोहान अपने मन में सोचता है कि अब मैं एक अडल्ट हूँ और मैं इन सबको मिलाकर भी ज़्यादा ताकतवर हूँ। गोहान बोलता है कि मैं कैकरोट से बात करना चाहता हूँ। गोहान बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है और हो सकता है तुम्हें वो अच्छा लगे, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। पर उससे पहले मैं तुम सभी को एक चैलेंज देता हूँ। अगर तुम असली सैयंस हो तो तुम इस चैलेंज को रिफ्यूज़ नहीं करोगे। तुम चारों मेरे साथ लड़ोगे। ये फाइट उस तरह की नहीं होगी। हम टूर्नामेंट के बाहर नहीं लड़ेंगे, हम एक आम रेसलिंग का मैच करेंगे। मुझे खुद का इंट्रोडक्शन देने दो। मैं हूँ सन गोहान, यूनिवर्स 18 से। मैं फ़ाइट नहीं करता क्योंकि मैं अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ। मैं तुम सभी को एक चैलेंज देता हूँ, मेरे हाथ को एक इंच हिला के दिखाओ। तुम किसी भी तरफ से मेरे हाथ को हिलाने की कोशिश कर सकते हो, और चिंता मत करो, मैं सुपर सीएन में भी ट्रांसफॉर्म नहीं होऊंगा। वेजिटा बोलता है कि हम तुम्हारे फालतू के गेम्स खेलने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। गोहान बोलता है कि अच्छा, तुम्हारे पास स्काउटर्स नहीं है, यानी कि तुमने मेरी एनर्जी को सेंस कर लिया है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें पता चल गया है कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए तुम मेरे को टेस्ट नहीं करना चाहते। तो चलो अब मैं बताता हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। मेरी ताकतें नेचुरल नहीं हैं, मेरी ताकतें मैजिकल हैं। और जिस शख्स की वजह से मेरी ताकत इतनी बड़ी है, वो शख्स इस टूर्नामेंट में मौजूद है। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वो कौन है, पर कैकरोट को मेरी बेटी के साथ एक अच्छी फाइट लड़नी होगी जिसमें वो किसी भी तरीके की पागलपंती और वॉयलेंस नहीं करेगा। मैं उसे हारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। कैकरोट बोलता है कि तुमने मुझे समझा क्या है। एकदम से गोहान कैकरोट पर अटैक कर देता है। कैकरोट एकदम से सुपर सीएन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर फिर भी वो गोहान के हाथ को नहीं हिला पाता। गोहान बोलता है कि सुनो कातिल कहेंगे, तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक अच्छा काम किया था और वो था अपना सर पर चोट खाना और हमेशा के लिए बदल जाना और वो शख्स बनना जो मेरे पिता हैं। इतने में रेडिट्स और नापा गोहान पर हमला कर देते हैं, पर गोहान को इनकी ताकत से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो इन दोनों को दूर फेंक देता है। गोहान वेजिटा को बोलता है कि वेजिटा, क्या तुम मुझसे नहीं लड़ना चाहोगे। वेजिटा बोलता है कि क्यों, कैकरोट तुम्हारी सारी डिमांड्स को मानेगा, अब मुझे इस मैजिक के बारे में बताओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रॉस्ट डीमंस आपस में बात कर रहे होते हैं। कूलर बोलता है कि मैंने पूरी बिल्डिंग सर्च करी और पूरी रात भी सर्च करी, पर मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझ पर अटैक किसने किया था। किंग कोल्ड बोलता है कि तुम्हारा भाई कहाँ पर है। कूलर बोलता है कि वो वापस शिप पर आ गया है। और हम देखते हैं कि फ्रीजा कुछ सोच रहा होता है और वो याद कर रहा होता है जिस दिन उसने कैप्टन गिनी को मारा था। हम फ्रीजा की मेमोरी में देखते हैं कि फ्रीजा कैप्टन गिनी को डांट रहा होता है और बोलता है कि तुम मेरे पूरे एम्पायर के कैप्टन हो और तुमने मेरी इतनी महान सिटी को बर्बाद होने दिया, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। कैप्टन गिनी बोलता है कि ये सब मेरी गलती है मास्टर, मैं उस सैयन को रोक नहीं पाया, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। फ्रीजा बोलता है कि अच्छा। इसके बाद फ्रीजा गिनी को एक ही अटैक में मार देता है और बोलता है कि तुम्हारी स्क्वाड को नया नाम देने का समय आ गया है और अब तुम यहाँ पे और डांस नहीं करोगे, इसकी बॉडी को ले जाओ और जला दो। और वो याद करता है कि कैसे कैप्टन गिनी की बॉडी को ले जाया जा रहा था। वो बोलता है कि मैं समझ गया हूँ कि कैप्टन गिनी भी मरा नहीं है, वो मेरे किसी आदमी के अंदर छुपा हुआ है, पर वो आखिर किसकी बॉडी में है। तो दोस्तों, आज की ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी। मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए इसका अगला पार्ट लेकर आऊँगा, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो पे 1300 लाइक्स पहुंचा दीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे दूसरे चैनल कॉमिक वानी को भी ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर मैं लगातार मार्वल से रिलेटेड वीडियोस डाल रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।